हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक्वेरियम का वाटर कैसे चेंज करना है, कितना चेंज करना है ताकि मछली मरे नहीं। मेरे ज़्यादातर जो बहुत सारे जान पहचान के लोग जो हमें जानते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि मेरा जब भी हम एक्वेरियम का वाटर चेंज करते हैं, मैंने जैसे कि कोई कहते हैं कि मैं पूरा वाटर चेंज नहीं किया हूँ, 60% 50% 40% भी वाटर चेंज किया हूँ, तो मेरे एक्वेरियम के जितने फिशेस है सब मर जाते हैं, सब नहीं लगभग आधा से ज़्यादा फिशेस मर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोगों ने मुझसे कहा, देखिए मैंने एक्वेरियम का वाटर चेंज किया है और मैंने 60% 70% तक चेंज किया है और एक भी फिशेस मेरा मरा नहीं और सब अच्छे से खेल रहा। मैंने आज तक जितना बार भी वाटर चेंज किया है मेरा एक भी मछली नहीं मरा है और नहीं मरेगा। देखिए लोगों का सवाल है कि आखिर हम कितना वाटर चेंज करें, तो कुछ लोग बोलते हैं कि 50% 60% है ना, आप एक्वेरियम से अप टू 70% वाटर चेंज कर सकते हैं। 70% क्या, आप 80% भी वाटर चेंज कर सकते हैं। मैं अपने एक्वेरियम में कभी कभी 100% वाटर चेंज किया हूँ और दो बार ऐसा करके देखा हूँ और एक भी फिशेस नहीं मरा है। क्योंकि हमें वाटर चेंज जब हम करते हैं तो इसके पीछे एक साइंस है, वो जब साइंस को हम समझेंगे तो हमारी एक भी फिशेस नहीं मरेगी। तो देखिए आखिर एक्वेरियम में वाटर चेंज करना क्यों ज़रूरी है। देखिए दरअसल हम लोग कोई भी हो, जीव हो, जैसे हम इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई पक्षी हो, है ना, तो सब लोग जो खाना खाते हैं तो बदले में सीट करते हैं, वो लोग टॉयलेट एक्सक्रेट करते हैं, टॉयलेट निकाल करते हैं, तो क्या होता है, वो सब वेस्टेज प्रोडक्ट है। अब आप जैसे कि आप इंसान हैं, अगर आपको ही बोल दिया जाए कि दिन भर बाथरूम में ही रहें, आप टॉयलेट करें और वहाँ पर बाथरूम करें, वहीं पर ही खाना खाएं, तो जाहिर सी बात है आप भी बीमार पड़ के मर जाएंगे। तो ये चीज़ भी मछलियों के साथ होती है, मछलियाँ भी एक्सक्रीट करती हैं, ये वेस्टेज निकालती है, अमोनिया एक्सक्रीट करती है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जीव अपने ही वेस्टेज में, अपने ही एक्सक्रेशन में, अपने ही लेटरिन में, अपने ही सीट में कैसे कोई सर्वाइव कर पाएगा, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई भी फिशेस, तो हमें वाटर चेंज करना ही पड़ता है। तो वाटर, तो इसी दो चीज़ से बचने के लिए, इसे वेस्टेज और अमोनिया जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट, हार्मफुल वेस्टेज से बचने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं और वाटर चेंज करते हैं। तो फिल्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप वाटर चेंज करके अमोनिया को कम कर सकते हैं टैंक में। तो जैसा मैंने बताया कि 70% वाटर चेंज किया है, इस बार 100% वाटर चेंज नहीं किया। तो अब देखिए क्या होता है, फिशेस जो एक्सक्रीट करती है वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है। हमारे भी शरीर में एक जहर बनता है जिसे अमोनिया कहते हैं और वो यूरिक एसिड में चेंज होकर हमारे टॉयलेट में बाहर निकल जाती है। तो फिशेस अमोनिया को डायरेक्ट रिलीज करती है वाटर में, तो जिसका फार्मूला NH3 है। तो NH3 है नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल्स। तो NH3 जब ये रिलीज करती है तो इस टैंक में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ज़्यादातर जो आपके यूट्यूबर वाले बताएंगे उसको बोलेंगे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, तो हाँ उसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया ही कहते हैं। तो वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके नाइट्रोसोमोनस, एक होते हैं आपके नाइट्रोबैक्टर। तो मछलियाँ जैसे फिशेज जो NH3 रिलीज करती है, तो NH3, तो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया क्या करते हैं, NH3 को ब्रेक डाउन कर देते हैं और रिलीज करते हैं NO2, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया NO2, यानी उसको नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं, और उसी नाइट्राइट को फिर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है NO3 में चेंज कर देते हैं नाइट्राइट में। अब अमोनिया फिशेस के लिए हानिकारक है, लेकिन नाइट्राइट जो है या नाइट्रेट जो है फिशेस के लिए उतना हानिकारक नहीं है। तो ये है पूरी केमिस्ट्री एक एक्वेरियम के लिए। तो जब तक आप इस साइकिल को, इस केमिस्ट्री को बरकरार नहीं रखते हैं, तो आप वाटर कितना भी चेंज करें, खाना खिलाएं या क्या करें, कुछ करें, आपके फिशेस मरेंगे ही। तो मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि आज के बाद से आपकी एक फिशेस भी नहीं मरेगी, मैं इसका गारंटी ले सकता हूँ। और इतने डिटेल में आप महीनों भर भी गूगल सर्च करें या एक महीना भी यूट्यूब में आप सर्च करें, इतना बारीक जानकारी मैं आपको मात्र 10 मिनट के अंदर ही दे दूंगा इस वीडियो के जरिए। तो देखिए क्या होता है, अब सामने से देखिए, जैसे देखिए अब जैसे कि मैंने एक रखा है, एक नाव है, बोट है जिसमें मछलियाँ छिपती हैं, एक कमल का फूल जैसा बना हुआ है, कुछ हमारे रिवर स्टोन है
ये ग्लास है, तो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया ज़्यादातर मोस्टली आपके सरफेस में रहती है, कांच में रहती है, आपके स्टोन में रहती है, डेकोरेटिव सामान में, ये सब वगैरह में रहती है। तो जब भी आप वाटर चेंज करते हैं, तो अब जैसे 70% वाटर चेंज किए, मैं 70% करता हूँ, आप 60% अच्छी मानी जाती है। तो जैसे आप 60% वाटर चेंज किए हैं, तो जाहिर सी बात है वाटर में जो न्यूट्रिशन घुला हुआ है वो तो आप बाहर फेंक दिए और नया वाटर डाल दिए, तो वाटर में न्यूट्रिशन लेवल भी कम हो गया। तो अब लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर मेन गलती ये करते हैं कि लोग बहुत सारा मतलब पानी चेंज कर दिए, तो वो क्या करते हैं, पूरे कांच को साफ करते हैं, चारों तरफ के कांच को साफ करते हैं, फिल्टर को साफ करते हैं, डेकोरेटिव सामान को साफ करते हैं, पूरे पत्थर को साफ करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर है वो मर जाता है। तो जैसे ही वो मर जाता है सारा कुछ एकदम आप क्लीन डाल देते हैं, वाटर भी क्लीन और पत्थर वगैरह सारे सामान एकदम क्लीन कर देते हैं। मछली जो अमोनिया रिलीज करती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया उस समय बहुत कम मौजूद होता है, ना के बराबर मौजूद होता है, क्योंकि वाटर में बहुत कम ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है। तो उतने से कम बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण तो वो पहले से ही मर चुके हैं। तो इतने कम बेनिफिशियल बैक्टीरिया अमोनिया को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है, मछली के लिए हानिकारक होती है, और ऐसा करने से 100% आपकी फिशेस मरेगी ही मरेगी। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको 60% वाटर चेंज करना है या 70%, वो आपकी मर्जी के अनुसार। आप उस वक्त फिल्टर साफ ना करें, आप फिल्टर जस्ट उसके 15 दिन के बाद साफ करें। आप ग्लास के दो सरफेस को साफ कर दें, दो सरफेस को छोड़ दें, कोई डेकोरेटिव सामान को साफ कर दें और स्टोन को छोड़ दें, स्टोन को साफ करें तो डेकोरेटिव सामान को छोड़ दें। हमें कुछ थोड़ा सा एक्वेरियम को थोड़ा सा गंदा भी रखना है, वेस्टेज साफ भी करना है और साफ नहीं भी करना है, ये दोनों ध्यान रखें। हमें ऐसा साफ करना है कि पानी से वेस्टेज भी चला जाए और इतना भी साफ नहीं करना है बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मर जाए। तो ऐसी केमिस्ट्री को बरकरार रखेंगे तो हमारी एक फिशेज भी नहीं मरेगी, मैं गारंटी लूंगा, मेरी आपकी एक भी फिशेज नहीं मरेगी, मेरी एक भी फिशेज अभी तक नहीं मरी है। और इसमें मैं सब तरह का फिश रखा हूँ, ट्रॉपिकल कोल्ड वाटर फिश, सारा फिशेज, और मेरी एक भी फिशेज नहीं मरती है। हाँ, कुछ फिशेज एक दूसरे को मार देती है, उसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी जो जानकारी दी है आप सब समझ गए होंगे, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिल्टर के बारे में, और फिल्टर को कौन सा फिल्टर लगाना ज़्यादा बेहतर होगा मछलियों के लिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।